Hello everyone, good morning to all. Hope you all are fit and fine at your homes. So students, let's start the study after the summer vacations. Let's start the next unit, unit number 5, subtraction. Okay students, subtraction unit में हमने क्या करना है, subtraction का review करेंगे. सभी ने subtraction की हुई है ना, minus के sums किए हुए हैं. तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज हो जाएंगे और कुछ उसके साथ रिलेटेड ही कुछ और आएंगी, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो हम लोग करेंगे. ओके ओके स्टूडेंट्स, सो ओपन द पेज नंबर 27, यूनिट नंबर 5, सबट्रैक्शन. ठीक है, तो सबट्रैक्ट करना सभी को आता है ना. सबट्रैक्शन के रूल्स भी पता होंगे आप लोगों को, जो हमने पहले किए हुए हैं वही यूज़ हो रहे हैं. ठीक है, जैसे कोई भी नंबर्स को हमारे पास सपोज 10 थिंग्स हैं, तो 10 में से हमने 3 थिंग्स यूज़ कर ली तो उनको रिमूव कर दोगे, तो बाकी कितनी बच गई हमारे पास, 7 आ गई ना. तो वहाँ पे क्या किया हमने, माइनस किया, उसे बोलते हैं हम सब्ट्रैक्शन. ठीक है, जब आप ज़ीरो को किसी भी नंबर में से माइनस करोगे तो वही सेम नंबर आता है, और जब आप दो सेम नंबर्स को माइनस कर रहे हो तो उनकी सब्ट्रैक्शन ज़ीरो आती है. ओके, एंड सब्ट्रैक्शन सिंपल सब्ट्रैक्शन है आपको. ठीक है, वंस के नीचे वंस अरेंज कर देने हैं, वंस वाले नंबर्स, टेंस के नीचे टेंस वाले डिजिट्स, हंड्रेड्स के नीचे देन थाउजेंड्स देन टेन थाउजेंड्स. ठीक है, अरेंज करने के बाद हमने उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है. क्लियर, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 5A फ्रॉम द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. एक्सरसाइज 5A एंड द फर्स्ट इज सब्ट्रैक्ट. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सब्ट्रैक्ट करना है. पहले ही उनको अरेंज किया हुआ है, इसमें वंस के नीचे वंस अरेंज किया हुआ है, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड टेन थाउजेंड. ठीक है, तो अरेंज ऑलरेडी है, आपने उनको जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर फाइव माइनस ज़ीरो, ठीक है, वंस में क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, फाइव माइनस ज़ीरो. तो फाइव में से ज़ीरो माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, फाइव. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा फाइव, राइट हियर फाइव. देन टेंस प्लेस में है टू टू, दोनों सेम नंबर है ना, तो जब हम सेम नंबर्स को माइनस करते हैं तो वहाँ पे क्या आता है, ज़ीरो. टू माइनस टू ज़ीरो. ठीक है, देन हंड्रेड्स प्लेस पे है सिक्स माइनस थ्री, सिक्स में से थ्री सब्ट्रैक्ट किए, थ्री. फाइव माइनस टू, फाइव में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री. एंड देन टेन थाउजेंड प्लेस पे है सेवन माइनस फोर, सेवन में से फोर सब्ट्रैक्ट किए तो थ्री. अब आपके पास आंसर कितना आया, 33,305. ओके, नेक्स्ट सेकंड में भी सेम अरेंज किए हुए हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख. ठीक है, लैख तक यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं. तो आप पहले वंस वालों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कर, जैसे हम लोग एडिशन में ऑलवेज राइट साइड से स्टार्ट करते थे ना वंस से, सब्ट्रैक्शन में भी आपने वंस से ही स्टार्ट करना है. थ्री माइनस टू वन, वन माइनस ज़ीरो वन. ज़ीरो को किसी नंबर में से भी माइनस करेंगे तो वही सेम नंबर आएगा. ठीक है, नाइन माइनस फोर फाइव, सेवन माइनस थ्री फोर, फाइव माइनस टू थ्री, थ्री माइनस वन टू. तो हमारे पास आंसर क्या आया, 2,34,511. क्लियर, सेम इन द नेक्स्ट, इनमें भी आपने सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, और अगर जैसे यहाँ पर फाइव डिजिट नंबर है और दूसरा नंबर फोर डिजिट है, तो आप उसे अरेंज करना राइट साइड से ही स्टार्ट करोगे. क्लियर, ठीक है, और देन उनको आप सिंपली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. फाइव माइनस टू थ्री, एट माइनस थ्री फाइव, फोर माइनस फोर, दोनों सेम नंबर हैं, सेम नंबर्स की सब्ट्रैक्शन ज़ीरो. सेवन में से फाइव सब्ट्रैक्ट किए तो टू एंड वन एज इट इज़. ठीक है, नेक्स्ट में भी सेम अरेंज किए हुए हैं, आपने जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है फोर्थ वाले पार्ट में. ठीक है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो सेम नंबर है तो ज़ीरो आएगा. नाइन माइनस वन एट, एट माइनस टू सिक्स, सेवन माइनस थ्री फोर, सिक्स माइनस फोर
2, 5 minus 2, 3. It becomes 3,24,680. Okay, students, clear? Next है fifth question, arrange in columns and subtract. Question free हुए हैं, आपने इनको columns में arrange करना है पहले खुद, ठीक है, फिर उनको subtract कर देना है. जैसे ये questions जो हैं, इनमें से जो parts हैं इनको columns में arrange किया हुआ है already, तो आप इनको पहले ऐसे columns में arrange करोगे then subtract करोगे, ठीक है. जैसे इसका A part है, इसमें है आपके पास 72,569, ठीक है. इसमें से माइनस करना है 30,254. तो आपके पास सब ऐसे कॉलम्स में रेंज कर लिया इनको. इनके ऊपर आप मेंशन भी कर सकते हो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ठीक है. तो वंस वाले से स्टार्ट करेंगे, वंस वालों को माइनस करेंगे. 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 3 4, ठीक है. तो पहले कॉलम्स में रेंज कर देना देन उसे सब्ट्रैक्ट कर देना. माइनस करने के आपके पास आंसर आया 42,350. क्लियर. एंड इन द सिक्स्थ क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट, इसमें आपको वर्ड्स में दिया, उनके नंबर नेम्स दिए हुए हैं, ठीक है. तो आपने नंबर नेम से पहले इनको फिगर्स में कन्वर्ट करना है देन जो फिगर्स में लिखा है उनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है. अब आपके पास जो नंबर है वो क्या है, सब्ट्रैक्ट 41,536 फ्रॉम 5,74,958. फ्रॉम बोल दिया तो इट मीन्स पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करना है, ठीक है. इसमें से तो क्या नंबर है ये आपके पास, 5,74,958. इसमें से आप माइनस करोगे 41,536. ओके, तो इनको आप कॉलम्स में अरेंज करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे. क्लियर. बी पार्ट में भी सेम आपने ऐसे ही करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है. नाउ लुक द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इफ द माइनस इज दिस एंड द सब्ट्रैक्टेंट इज दिस देन फाइंड द डिफरेंस. तो स्टूडेंट्स, माइनर एंड सब्ट्रैक्टेंट आपको पता है क्या होते हैं. ईच नंबर इन अ सब्ट्रैक्शन सम हैज़ अ स्पेशल नेम. हर एक नंबर का एक स्पेशल नेम होता है, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने माइनस करना होता है बिगर वाला नंबर, ठीक है, वो है हमारा माइनर. और जो स्मॉलर नंबर होता है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसे आपने माइनस करना है, ठीक है, वो होता है सब्ट्रैहेंड. और जो उनको माइनस करने पे आंसर आता है सब्ट्रैक्ट करने पे, वो होता है उनका डिफरेंस, ठीक है. तो ये उनको जस्ट स्पेशल नेम दिए हुए हैं. तो माइनेंड और सब्ट्रैक्टेंड आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, आपने इनको कॉलम्स में अरेंज कर लेना है एंड देन उनको माइनस करके डिफरेंस फाइंड आउट कर लो. क्लियर. ओके स्टूडेंट्स, सो होप यू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. So please try all the questions at your homes, and if there is any problem then I will send you a written assignment, take help from them. Okay students, thank you, have a nice day.